घर के मंदिर की पूजा करने से पहले किसको जल देना चाहिए? क्या बात है, देवताओं की पूजा करने से पहले सूर्य को अर्घ दिया जाता है। किसको अर्घ दिया जाता है, जोर से बोलो, सूर्य नारायण, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के विषय में भी कई लोगों के मन में शंका है। जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते 4 बजे, वो कहते महाराज सूर्य उदय तो हुआ नहीं, क्या सुबह हम 4-5 बजे सूर्य को अर्घ दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? आपको किसने सुनाया कि सूर्य कभी छिपता है? सूर्य कभी नहीं छिपता है। मैंने विदेशों की यात्राएं की है, जब भारतवर्ष में सूर्य उदय होता है तो वह अंधेरा होता, छिपा हुआ रहता है। धन्यना, सूर्य कभी नहीं छिपता। और एक बात और बता देता हूं, सूर्य कभी चलता भी नहीं है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है। विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार, यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे हमें पृथ्वी तो घूमती नजर नहीं आती, पर हमें सूर्य भगवान घूमते हुए नजर आते हैं। अगर आपकी समझ में न आया हो तो मैं आपसे बात पूछूंगा, जोर से बताना। आप जितने विराजमान हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने रेलगाड़ी ट्रेन से यात्रा की, जरा हाथ खड़े करना, जो ट्रेन में बैठ के यात्रा की हो। आपने अगर ट्रेन में यात्रा की है तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा जैसा मैं बता रहा हूं, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, स्टेशन के आउटडोर पर रुकी हुई है या स्टेशन पर रुकी हुई है। आपकी ट्रेन रुकी हुई है और रुकी हुई ट्रेन के साथ में बराबर में यदि कोई ट्रेन जा रही हो और खिड़की से जाने वाली ट्रेन को जब आप देखोगे तो कौन सी ट्रेन चलती भी दिखाई देगी? पर ताली नहीं बजाई तुमने। ऐसा मौका जीवन में कभी मिलेगा नहीं कि आपको केवल प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सनातन धर्म का ज्ञान दिया गया है, ध्यान दिया गया है। आप जिस ट्रेन में बैठे वो खड़ी है, पर चलने वाली ट्रेन को देखोगे ना तो क्या होगा, ऐसा लगेगा हमारी ट्रेन चली। कई बार तो लोग भ्रमित हो जाते, अरे हमारी सवारी आई नहीं अभी, पर जब वो नीचे की ओर देखते लगता मेरी ट्रेन तो खड़ी है। ठीक किसी प्रकार पृथ्वी घूमती है, सूर्य कभी नहीं घूमता। सूर्य भी हमेशा पूर्व दिशा में स्थिर है। केवल भारत का सूर्य नहीं है, पूरी दुनिया का एक ही सूर्य है, पर कहीं समय का देखना, या नारायण सेवा संस्थान में भी जहां हमारा निवास है वहां घड़ियां लगाई हुई है, ऑफिस में कई प्रकार की घड़ियां हैं, हर देश का समय दिया गया है। ध्यान देना, मेरे पास भी रात को फोन आते हैं तो वहां सुबह होता है, या रात होती तो वह सुबह होता है, या सुबह होता है तो वह रात होती है। सैकड़ों भक्त विदेशों के जब बात करते हैं तो मुझे रात को 11 बजे तक भी जागना पड़ जाता है। धन्यना, इसलिए सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, और सबसे बड़ा देवता सनातन धर्म का कौन सा है, जोर से बोलो, सूर्य। इसलिए सूर्य को जल देने का जो समय शास्त्रों ने बताया है, जिसको संध्या वंदन कहते हैं, सूर्य को जल का अर्घ देकर 10 बार गायत्री मंत्र बोलने का विधान को संध्या वंदन कहते हैं। और कहते हैं कि सूर्य को अर्घ अगर तारों की छाया में दिया जाए और अर्घ देकर 10 बार गायत्री मंत्र बोल करके संध्या वंदन की जाए तो शास्त्र कहता है उत्तमा तार को पेता,
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रात संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम तारकोपेता, सबसे उत्तम सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र बोलना, संध्या वंदन तारों की छाया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और तारे छिप जाएं पर सूरज ना उगे, मध्यमा तारकोपेता, तारों के छिपने पर सूर्य ने उगने पर इतने समय में मैं सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, यह मध्यम फलदायी संध्या वंदन है। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद जो सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र बोलकर संध्या वंदन हम करते हैं, यह कनिष्ठ संध्या है। अर्थात तारों की छाया में जो सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तारों के छिपने में सूर्य उदय होने से पहले जो सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ये हजार गुना फल संध्या वंदन का मिलता है। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद जो सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें केवल साधारण फल मिलता है। ध्यान देना, दो चीजें जीवन में परम शक्तिमान सूर्य उदय से ही फलदायी होती है। पहला, योग कर्म करना, शरीर में योग कर्म करना, व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम अगर करना हो तो सूर्य उदय से पहले पहले करिए। प्राणायाम व्यायाम सूर्य उदय से पहले करने पर 1,00,000 गुना शरीर में शक्ति प्राप्त होती है। और सूर्य को अर्घ देने के गायत्री मंत्र का जाप करने वाली संध्या कर्म को सूर्य उदय से पहले यदि कोई कर बैठे तो जीवन के जन्म जन्मांतरों से पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूरे दिन किया गया कर्म परम फलदायी होता है। और जो ब्राह्मण देवता कर्मकांड करता है, पूजा पाठ कराता है, मंत्र जाप कराता है, अनुष्ठान कराता है, उस ब्राह्मण देवता को तो प्रातः काल निश्चित ही, प्रातः और सायंकाल दोनों समय संध्या वंदन करना परम आवश्यक है। बिना संध्या कर्म किए यदि कोई ब्राह्मण अपना कर्म कांड कराता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म कांड का फल निष्फल हो जाता है। किसी भी स्त्री पुरुष को यदि अपने पूरे दिन के किए गए कर्म फल का परिणाम लेना हो तो प्रातः सूर्य को अर्घ देकर 10 बार गायत्री मंत्र अवश्य बोलना चाहिए।